हिमाचल हो या दिल्ली हो, दोनों जगह आशीर्वाद यानी वोट प्रतिशत वो बड़ी है, लेकिन वोट प्रतिशत और सीट के गणित में फर्क आया है, लेकिन आप आशीर्वाद में कमी नहीं मान सकते। लोग मोदी जी में नायक ढूंढते हैं, मोदी जी को आप नायक मानते हैं, उनके माध्यम से उनका लगता है कि उनकी हर समस्या का हल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है। ऐसा है कि जिस तरह से गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है और पूरे देश के अंदर एक माहौल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने का, उनके साथ चलने का, उनके कदमों के साथ कदम मिलाने का, पूरे देश के अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से वोट प्रतिशत बढ़ा है। गुजरात के अंदर जो ट्रेंड दिखा है, ये ट्रेंड पूरे भारत में आने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 8.5 वर्ष देश भर के अंदर और उससे पहले 12 वर्ष गुजरात के अंदर जिस तरह गरीबों के लिए काम किया, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने का काम किया है, वो जनता के मन में बैठ चुका है। ये आशीर्वाद इतनी थंपिंग मेजोरिटी देकर जनता ने कहा है कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करो मोदी जी, और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए स्पष्ट किया है मोदी जी आगे बढ़ो और देश की सेवा में जैसे आप दिन रात लगे उसी तरह लगे रहे, जिस तरह आप देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे, जिस तरह देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर रहे, देश को आगे लेके जा रहे, ये आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के काम को आशीर्वाद है, उनके गरीबों के लिए किए कामों के लिए आशीर्वाद है। ऐसे आप हिमाचल हो या दिल्ली हो, दोनों जगह आशीर्वाद यानी वोट प्रतिशत वो बड़ी है, लेकिन वोट प्रतिशत और सीट के गणित में फर्क आया है, लेकिन आप आशीर्वाद में कमी नहीं मान सकते। लोग मोदी जी में नायक ढूंढते हैं, मोदी जी को आप नायक मानते हैं, उनके माध्यम से उनका लगता है कि उनकी हर समस्या का हल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है। ऐसा है कि गुजरात के अंदर जो केजरीवाल साहब ने झूठ बोला, जो पत्थर फेंके, उसका जवाब गुजरात की जनता ने दिया है। ये कहते थे हम सरकार बनाएंगे, इनका सुपड़ा साफ हुआ। ये कहते थे हिमाचल में सरकार बनाएंगे, इनका सुपड़ा साफ हुआ। उत्तराखंड में कहते थे हम सरकार बनाएंगे, वहां भी सुपड़ा साफ हुआ था। गोवा में भी हुआ था। केजरीवाल फार्मूला फेल फार्मूला है। फ्री में रेवड़ी बांटने पर कुछ समय झूठ बोला जा सकता है, लेकिन झूठ ज्यादा देर चलने वाला नहीं। Thank you.